आलिया भट्ट के फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर रिलीज से पहले ही सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। फिल्म की कई सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है। संजय लीला भंसाली की फिल्म काठियावाड़ी रियल लाइफ पर बेस्ड है। ये फिल्म को द माफिया ऑफ मुंबई से उठाई गई है। इस फिल्म में काठियावाड़ी की एक साधारण लड़की से गंगूबाई बनने तक का सफर दिखाया गया है। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले ही इस पर कट लगाकर आलिया और भंसाली को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में 4 मॉडिफिकेशन और 2 सीन्स पर कट लगवा दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म में 2 डायलॉग्स में बदलाव करवाए गए हैं। फिल्म में एक सीन था जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई के बालों में गुलाब लगा रहे थे, इस सीन को हटवा दिया गया है। इतने सारे सीन्स को मॉडिफाई करवाने के बाद फिल्म पर क्या फर्क पड़ता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है। फिलहाल तो इतने सारे कट लगवा कर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें आलिया भट्ट के काम को काफी पसंद किया गया था। इस मूवी में आलिया के साथ विजय राज और अजय देवगन भी आएंगे साथ में नजर।